स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में किसी भी फंक्शंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करने के लिए उसकी सेकंड डेफिनेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन में आपने स्टडी किया कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल में तब हम उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए शो करते थे। क्लियर, लेकिन इस डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग है। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन किसी दिए गए क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो और उसी के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, क्लियर, तब हम उस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं वो चीजें हम यहां देखते हैं। क्लियर, तो मैंने लिखा लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल में भी। क्लियर, इसी के ओपन इंटरवल में वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ f dash x is greater than equal greater than 0, only greater than 0, clear? यदि हम differentiate करें और वो differentiation जो आना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, it means positive होना चाहिए, clear? तब वो function क्या कहलाता है, उस close interval में increasing कहलाता है, clear? ये second definition में differentiable भी add करते हैं, first में add नहीं करते थे, clear? Same, f is decreasing on close interval maybe if f dash x is negative because f dash x is less than 0 for each x belong to open interval ab, यानी उस x के all values के लिए जो इसके open interval में belong करती हूँ। clear, इसमें एक third point और add कर दिया गया student कि f is constant function on closed interval ab if f dash x is equal to 0, अगर हम किसी चीज को differentiate करें और वो 0 के equal आ रहा है तो वो function क्या कहलाता है, constant function। तो constant function क्या होता है वो भी चीजें हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे अगर साइन एक्स का मुझे ग्राफ बनाना हो, समथिंग हियर मैक्सिमम प्लस वन एंड मिनिमम हियर माइनस वन, क्लियर, अब हम कोई ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हो तो ग्राफ मैक्सिमम में प्लस वन गया, क्लियर, फिर ऐसे गया, फिर माइनस वन गया, इट मीन्स ऐसे हम करते जाते हैं तो ऐसे प्लॉट ग्राफ हो रहा है, इट मीन्स प्लस वन मैक्सिमम हियर एंड हियर प्लस वन एंड हियर मिनिमम माइनस वन एंड हियर माइनस वन। इट मीन्स ये जो फंक्शंस है, ये जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ये प्लस वन और माइनस वन के बीच में क्या हो रहा है, सेम ऑसिलेट करता हुआ ऐसे चल रहा है, क्लियर, तो इस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर इतने इंटरवल में लिया जाए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह सकते हैं टोटल फंक्शंस के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस वन, तो ये दोनों हाईएस्ट प्लस वन एंड मिनिमम माइनस वन, तो इन्हीं दोनों के बीच में एक रूल के अकॉर्डिंग ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कौन सा फंक्शन कह सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट अब हम जैसा कि ये डेफिनेशन हमने पढ़ा, लेकिन इस डेफिनेशन में एक चीज और भी पढ़नी है हमें। अगर सेम ये लिखा हुआ कि f भी कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab एंड डिफरेंशिएबल ऑन ab और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए शो करना है तो भी यही कंडीशन हम शो करेंगे। तो यहां स्टूडेंट लिख लीजिएगा कि f इज इंक्रीजिंग आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ab देन दिस, क्लियर, और इसके लिए भी लिखेंगे कि f is decreasing or strictly decreasing, दोनों चीजें इसमें एक ही होती है, लेकिन किसमें, जिसमें differentiable दिया होता है, clear? तो student हम ये condition follow करके हम वो interval भी find कर सकते हैं कि कोई भी function किस interval में decrease करेगा या strictly decrease करेगा या strictly increase करेगा, clear? तो इसके पहले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन बता दिए थे, क्योंकि वो फर्स्ट डेफिनेशन पर बेसिस थे। तो अब ये सेकंड डेफिनेशन है, तो सेकंड डेफिनेशन का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्लियर, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, एक फंक्शन दिया गया है, तो गिवन हियर फंक्शन, गिवन fx इज इक्वल टू हियर x 2x स्क्वायर माइनस 3x, क्लियर, ये दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया। अब इस फंक्शन के लिए मुझे एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है तो कि वो इंटरवल यानी किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आइए स्टूडेंट हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर डिफरेंशिएबल भी हो तो इट मींस हम उस क्वेश्चन को इंटरवल फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये क्लियर जान लीजिए, हमें इंटरवल अगर फाइंड करना होगा तो हम ये सेकंड डेफिनेशन का ही यूज करेंगे, क्लियर।
तो ये पहली बात एफ एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये इंक्रीज कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशियबल भी होगा, क्लियर। तो लिखा भी नहीं है तो वो भी हम खुद से समझ लेते हैं कि अगर इंटरवल फाइंड करना है तो हम फर्स्ट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, तो हमें डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो राइट हियर एफ डेज एक्स एंड हियर फोर एक्स एंड माइनस थ्री, क्लियर, डिफरेंशिएट कर लिया। अब मुझे फर्स्ट कंडीशन में किसके लिए इंटरवल फाइंड करना था स्टूडेंट, इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, क्लियर। तो मैंने लिख दिया फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लियर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एफ डेज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्लियर, ये कंडीशन। ओनली इंक्रीजिंग होता तो भी यही हम फॉलो करते, क्लियर। अब एफ डेज एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, 4x minus 3 is greater than 0, ये linear inequalities बन गया जो class 11th में आपने study किया था। अब हमने यहाँ लिखा 4x is less than 3, clear? It means लिख सकते हैं x is less than 3 upon 4, sorry less than नहीं greater than, तो x की value जो होगी 3 upon 4 से क्या होगी, बड़ी होगी। It means इसके लिए अगर interval हमें बनाना होगा तो x belong this, equal तो यहाँ लगा नहीं है, so with open interval 3 upon 4 to plus infinite, clear? It means student ये पता चल गया कि ये x की all values के लिए f dash x क्या होगा, greater than 0 होगा। So हमें ये पता हो गया कि इस interval में ये जो function है f x कैसा होगा, strictly increasing होगा, clear? So here in interval 3 upon 4 and plus infinite, in interval this fx is strictly increasing, तो हमारा एक आंसर मिल गया कि 3 upon 4 comma plus infinity इस interval में ये function क्या होगा, strictly increasing होगा। आप यहाँ लिखेंगे fx is strictly increasing, clear। अब student अगर decreasing के लिए follow करना हो, ये तो समझ में आ गया, decreasing के लिए follow करना होता तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, second डालते, लिखते for strictly decreasing, clear? तो f base x is less than 0 आप write करते, फिर यहाँ भी less than write करते, clear? यहाँ भी less than हो जाता, यहाँ भी less than हो जाता, it means all values of x is less than 3 upon 4, तो ये जो interval होता, ये interval change हो जाता, interval क्या बन जाता आपका, interval less than होता, it means minus infinite to 3 upon 4 with open interval, clear? तो ये इस interval में क्या हो जाता, लिखते in this interval minus infinite to 3 upon 4 fx is strictly decreasing, तो answer आपका strictly decreasing के लिए ये interval आ जाता, clear, समझ में आ गया। question number 4, अब हम student एक question और solve करते हैं, question number 6, 6 में बहुत सारे parts दिए गए हैं, तो उसमें केवल एक part लेना है मुझे, जो थोड़ा सा tough आपको लग रहा है, मुझे देखने में लग रहा है कि आपको tough पड़ेगा, तो question number 6 का e part, clear। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट्स में हमें क्या करना है स्टूडेंट, उसमें भी क्या करना है, इंटरवल ही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में वो फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ई वाला पोर्शन हम करते हैं, ई में क्या दिया गया है कि fx is equal to here x plus 1 whole cube, क्लियर, एंड x minus 3 whole cube, क्लियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हियर एफ डेज एक्स इज इक्वल टू, क्लियर, ये फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, तो हम यहां डिफरेंशिएट का प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट पहले डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो गया 3x plus 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगा, x plus 1 का करेंगे 1 ही आएगा, और इसको कोएफिशिएंट के फॉर्म में वैसे ही राइट कर देते हैं, क्लियर। फिर प्लस लिखा मैंने, x plus 1 को वैसे ही लीव कर दिया, क्लियर, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3 आगे आ गया, और x minus 3 का होल स्क्वायर, और लास्ट में x minus 3 का करेंगे तो ओनली ये 1, क्लियर। इट मींस हम यहां f dash x is equal to क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कुछ चीजें कॉमन है, क्या कॉमन है, 3x plus 1 का होल स्क्वायर एंड x minus 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें कॉमन है, तो हियर x minus 3 एंड प्लस हियर x plus 1, clear? तो student यहाँ क्या बन गया, xx 2x minus 2, it means हमने यहाँ लिख दिया f dash x is equal to here 3 x plus 1, clear? And x minus 3
होल स्क्वायर एंड हियर 2x-2। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ इंटरवल फाइंड करना है, तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर आपको मिल रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर के लिए आपको इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो इंटरवल फाइंड करने के लिए डायरेक्टली फिर वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, या फिर हम यहाँ एक और दूसरा मेथड थोड़ा सा फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? हम पहले इंटरवल बनाते हैं। क्लियर? तो इंटरवल बनाने के लिए, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फाइंड करना है, f डेज x तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि f डेज x इक्वल टू जीरो के लिए जब आप फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए वैल्यूज आएगा। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले जब बहुत सारे फैक्टर आते हैं तो वो पॉइंट निकाल लेते हैं जिस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। क्लियर? तो हम पहले क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर नाउ f डेज x इक्वल टू ये जीरो। क्यों? जैसे हम उसमें अभी लेस देन या ग्रेटर देन राइट कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए स्टूडेंट पहले वो पॉइंट पता कर लो जिस पॉइंट पर वो कांस्टेंट हो रहा है। क्लियर? जैसे समथिंग अगर मान लो x इक्वल टू 2 पर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो रहा है, तो या तो उसके x लेस देन इक्वल टू 2 यानी 2 से कम के आगे वैल्यूज में हो सकता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या 2 से आगे बड़ी वैल्यूज में क्या हो वो इंक्रीजिंग हो। तो इट मींस पहले हम वो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं कि किस पॉइंट पर वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। तो उसके लिए हम ये करते हैं f डैश x इक्वल टू 0। तो जब हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट तो कौन सी वैल्यूज मिलेगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप ये लिखेंगे पूरा इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 है, तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर and 2x-2 is equal to here 0। तो एक तो यहाँ x plus 1 whole square is equal to 0, it means x की value क्या मिल गई minus 1, दूसरी x is equal to 3 and x is equal to here only 1। clear? तो कितने points मिले, 3 points मिले। तो जो हमारा real number होता है student, उस real number को, it means real number क्या, real number it means minus infinite to plus infinite, इसके लिए ये open interval बनता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स आपके मिले, ये तीनों पॉइंट्स इस इंटरवल को कितने इंटरवल में डिवाइड करें, क्योंकि इस पॉइंट पर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये r मैंने कहां से लिया, क्योंकि x जो था ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा, इसलिए हम r एक इंटरवल अपने मन से मान के चलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, अगर यहाँ 3 पॉइंट्स है तो ये 3 पॉइंट्स इस इंटरवल को कितने अलग डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करें, डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड करें 4। अगर ये ओनली 1 वैल्यूज होता तो इसको 2 इंटरवल में डिवाइड करता, 2 वैल्यूज होता तो 3 इंटरवल में डिवाइड करता। क्लियर? 3 वैल्यूज है तो कितने इंटरवल में बिलोंग डिवाइड करेगा, 4 इंटरवल में। क्लियर? तो मैंने लिख दिया कि ऑल दीज पॉइंट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1 डिवाइड्स, इसको भी रेज कर देना, डिवाइड्स। क्लियर? Divides interval R four interval R in four disjoint interval। Clear? Four disjoint interval में divide करा है तो कौन कौन से, पहला हम देखते हैं -1, तो इट मींस माइनस इनफाइनाइट, जैसे मैंने कहा था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये रियल नंबर का इंटरवल होता है, तो इस इंटरवल को 4, अगर यहाँ 3 वैल्यूज आएगी तो 4 इंटरवल में डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू -1 पहले सबसे छोटी वैल्यूज के लिए लेते हैं, तो वो क्या करेगा माइनस इनफाइनाइट टू -1, क्योंकि x इक्वल टू -1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दिस पॉइंट ये कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा देखते हैं x इक्वल टू 1, क्योंकि फिर उससे बड़ी वैल्यूज लेते हैं, तो इट मींस -1 to 1। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि -1 पॉइंट पर तो क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो -1 तक ये मैंने कवर कर लिया फर्स्ट इंटरवल में, दूसरा इंटरवल -1 ना लेकर -1 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, कहां तक 1 तक, क्योंकि 1 पर भी वो क्या हो रहा है कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट 1 2 3, तो इट मींस 1 2 3, क्योंकि 1 पर भी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, 3 पर भी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, एंड 3 to plus infinite। क्लियर? क्योंकि 3 पर भी कांस्टेंट फंक्शन हो रहा था, तो ये आपके क्या हुए 4 इंटरवल्स हुए। अब हम स्टूडेंट इन सारे, मतलब इट मींस जो
फंक्शंस दिया था, उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने ये डिफाइन कर लिया कि जो रियल नंबर होता है उसको हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो थ्री वैल्यूज हियर, सो हियर डिवाइड फोर इंटरवल, टू वैल्यूज देन डिवाइड हियर थ्री इंटरवल, क्लियर। तो अब हम इन सब इंटरवल में देखते हैं किस किस इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज शो करने के लिए आप जानते हैं, अगर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर ये आ गया एफ डेज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो किसी भी एक पॉइंट पर के लिए, चेक कर लीजिए आप, जैसे ये इंटरवल को माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन, तो इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, एफ डेज एक्स में वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर वो ये कंडीशन को फॉलो करता है, एक ही पॉइंट, कोई एक पॉइंट अगर ये फॉलो करता है, तो हो गया ऑल पॉइंट के लिए क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि अदर ऑल पॉइंट वो वेरीफाई करेगा, क्योंकि हमने जो कांस्टेंट पॉइंट थे उसके लिए तो पहले से ही फाइंड कर लिया। तो हम कोई भी अपने मन से रफ में ये काम करते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन हुआ, तो जब हम स्टूडेंट यहां देखते हैं ये, क्लियर, ये आपने जो एफ डेस एक्स फाइंड किया था, ये अगर हम एक्स की कोई भी माइनस वन से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की कोई भी माइनस वन से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे समथिंग ये इवन पावर है, ये भी इवन पावर, तो ये तो कुछ भी रखेगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक्स की कोई भी छोटी वैल्यू रख लो, चलो माइनस पॉइंट फाइव ही रख लेते हैं, माइनस वन अपॉइंट टू ही रख लेते हैं एक्स की वैल्यू, क्लियर, क्योंकि हमें इस इंटरवल के लिए चेक कर रहा हूं। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू रखेंगे, तो टू टू कैंसिल होगा, माइनस वन आ जाएगा यहाँ, तो माइनस वन एंड माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस थ्री आ गया, क्लियर। ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, लेकिन इसमें जब एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रखते हैं, तो ये माइनस थ्री आ जा रहा है, तो ये टोटल क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यानी इस फंक्शन के लिए एफ डेस एक्स निगेटिव आ गया, इट मीन्स लेस देन जीरो आ गया, क्लियर। जैसे आपके माइंड में अगर ये आता हो कि सर ने ऐसा एक पॉइंट अपने मन से लिए, तो आप कोई भी जो ये हो कि इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करिए, बस एफ डेस एक्स में पुट कर दीजिए, देख लीजिए अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो वो चीज इंक्रीजिंग हो जाएगी, नेगेटिव आ गया देन डिक्रीजिंग, कोई भी एक पॉइंट अगर वो पॉइंट जिस तरह से होगा वैसे ही ऑल पॉइंट्स होंगे। तो इसमें तो आपने देख लिया क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। माइनस वन टू वन के लिए देखते हैं, तो माइनस वन टू वन के बीच में जीरो भी तो आता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करते हैं, अगर एक्स इक्वल टू जीरो इसमें पुट किया, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस थ्री, इट मीन ये सब पॉजिटिव आएगा, ये पूरी पॉजिटिव आएगी। लेकिन एक्स इक्वल टू जैसे ही जीरो रखा, ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो स्टूडेंट एक्स इक्वल टू जीरो इसका एक पॉइंट है, वो भी रखने पर एफ डेज एक्स क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्लियर। तो इट मीन इन दोनों इंटरवल में एफ डेज एक्स क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और आगे इसके लिए चेक कर लेते हैं, ये निगेटिव आया, निगेटिव आया, वो थोड़ा सा एक बना लो कि हाँ ये चीज हम चेक कर चुके हैं, निगेटिव आ रहा है। 1.3 के लिए x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 2 जैसे लेंगे, ये तो हम जानते हैं पॉजिटिव है आएगा क्योंकि इवन पावर है, लेकिन यहां x इक्वल टू 2 जैसे रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 इट मींस 2, यानी f डेज x क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्लियर। तो इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव आया, इस इंटरवल के लिए भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 है तो 4 5 कुछ भी रख लो, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये हम रफ में चेक करते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट अब मैंने लिखा कि इन फॉर f एफ डेज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन इंटरवल, इन इंटरवल 1.3 एंड 3+∞, क्लियर, यानी एफ डेज एक्स जीरो इन दिस इंटरवल, क्लियर। सो बट एफ डेज एक्स इज लेस देन जीरो किस पॉइंट, किस इंटरवल के लिए, इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन एंड माइनस वन टू वन, क्लियर। सो एफ डे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली आर ओनली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, लिख सकते हैं आप 1.3 यूनियन ऑफ 3+∞, ये दोनों को प्लस करके यूनियन करके कर सकते हैं, जिसमें 3 और 1 इंक्लूड नहीं किया गया है, 3 एंड इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं किया गया है, क्लियर। एंड 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 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आर ओनली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन ऑफ माइनस 1 टू 1, क्लियर। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया कि कैसे हमने ये फाइंड किया,
तो ये सेकंड जो डेफिनेशन होती है ओनली स्टूडेंट इंटरवल फाइंड करने के लिए करते हैं कि किस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो सिक्स के अदर जो ए बी सी डी पोर्शन है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके?